मैम पहले आपका नाम? रितिका। रितिका जी, क्या आपके घर में हाउस हेल्प आ गए थे? हाँ जी बिल्कुल। सो अभी एक गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ है जी, और किस तरीके से आप हाउस हेल्प पे अपना कितना विश्वास करते हो? ऑनेस्टली इस इंसिडेंट से पहले तो करती थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे इन-लॉज हैं जो एजेड हैं, मेरा बेटा है, तो डेफिनेटली मैं चीज़ें छोड़ कर आती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। बट हाँ, जब से ये इंसिडेंट आया है तो थोड़ी और अवेयरनेस की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कैसे आपको आप ध्यान रखते हो हाउस हेल्प पे, या कैसे निगाह रखते हो हाउस हेल्प पे? पहले तो इतना नहीं था, मतलब ठीक है पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, बट अब तो एक सीसीटीवी की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। पहले था बट हम इतना फॉलो नहीं करते थे, कि अब तो मैंने ऐप इंस्टॉल करी है, कल ही मैंने इनफैक्ट अपने हस्बैंड से भी बात करी, तो वी हैव टेकन अप द ऐप और हमने वो डाउनलोड किया है सब कुछ। तो हिडन कैमरा है? हाँ जी, हिडन कैमरा है। हिडन कैमरा है डेफिनेटली, उसको नहीं पता है कि हिडन कैमरा है, तो किचन एरिया में रहेगा और जहाँ जहाँ वो ज्यादा काम करती हैं, जैसे बेडरूम्स में क्लीनिंग है सब है, तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। एंड वो कुकिंग भी वही करवाते हैं, क्योंकि कुकिंग का इंसिडेंट ज्यादा हो रहा है। कुकिंग नहीं करवाती, लकीली मैं चॉपिंग करवाती हूँ उनसे, तो कुकिंग मैं खुद ही करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी सिक्योर लग रहा है, बट आई डोंट नो कितना और सिक्योर रहेगा वो, तो वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिचय। परिचय, आपके घर में कोई हाउस हेल्प आता है? जी। और कितने सालों से आ रहा है और कितना विश्वास है आपको? मैं द्वारका शिफ्ट हुआ था 2011 में, एंड तब से हमारे घर में एक ही हाउस हेल्प आती है, एंड हमें पूरा विश्वास है उन पर, क्योंकि बचपन से उन्हें देखा है, एंड वो एक पार्ट ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली पार्ट बन चुके हैं। मगर जिस तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अभी गाजियाबाद में एक हुआ, उससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ हाउस हेल्प किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रिवेंज लेने की कोशिश करता है, तो आपको क्या लगता है, कुछ नज़र रखनी चाहिए हाउस हेल्प पे, या टोटली बिल्कुल आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए? अगर हाउस हेल्प नहीं है तो ऑब्वियसली आधे सारे ही थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, बट इवेंचुअली ओवर द इयर्स विश्वास बनता रहता है। ओके, सो अगर आपको कुछ लग रहा है कि किसी पे नजर रखने की जरूरत है, तो क्या वेज होने चाहिए हाउस हेल्प पे नजर रखने के लिए, किस तरीके से वो ट्रस्ट बिल्ड होगा? इनिशियली तो जब हाउस हेल्प वगैरह हम रखते हैं तो यूजली एक पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवाते ही है, तो एक वो चीज होती है कि हाँ दिस इज वेरीफाइड, एक बंदा है जेन्युइन है, एंड उसके बाद एक इट्स लाइक अ रिलेशनशिप जो विद टाइम ही ग्रो हो सकता है, एंड आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो उस चीज़ पर। स्टार्टिंग में कभी आपने हाउस हेल्प पे अगर वो खाना बना रहे हैं या कुछ कपड़े धो रहे हैं, कभी देखने की कोशिश की कि वो क्या कर रहे हैं ताकि वो ट्रस्ट डेवलप हो? श्योर, मम्मा हमेशा ध्यान रखती थी कि जब वो पोछा ला रहे हैं, झाड़ू ला रहे हैं, कौन से कमरे में जा रही है, क्या कर रहे हैं। इन स्टार्टिंग भाई आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। विपिन जी, अभी एक गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक हाउस हेल्प जो है वो यूरिन डाल रही थी खाने के अंदर, तो क्या आपके घर में कोई हाउस हेल्प आती है? नहीं, मेरे घर में तो नहीं आती है, जैसे औरों के घर में भी आती है। ठीक है, अगर विश्वास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कैमरे लगवाने चाहिए सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, विश्वास के लिए कैमरे हर जगह लगवाने चाहिए, तो कैमरे से पता चल जाएगा बंदा कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, यही होता है बस, बाकी अगर किसी पर भी शक है तो आपको ज़रूरी हर जगह कैमरे लगवाने चाहिए, चाहे घर हो, ऑफिस हो, शॉप हो, ठीक है, या मॉल हो, कहीं पे भी हो, तो कैमरे जरूर लगवाने चाहिए। कैमरे से तो पता रहेगा ना कौन बंदा क्या मिला रहा है। ठीक है, बाकी तो आपका विश्वास है। ठीक हो, ये है विश्वास पे दुनिया कायम रहती है, समझ रहे हो? विश्वास है तो तभी बंदे खाते हैं ना खाना रेस्टोरेंट में, बाकी रेस्टोरेंट में कोई इतना आपको पता थोड़ी है बंदे क्या डाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है, कैसे सफाई कर रहे हैं। मैंने हम घर घर जाते हैं, वो ऑफिस में भी जाते हैं, घरों में भी जाते हैं, और मैंने देखा रेस्टोरेंट में बहुत से गंदे थे, बर्तन इतने गंदे होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं बंदे, ऐसे ही वो ऐसी खाना बना कर ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो वही है, विश्वास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बना रहा है बनाने वाला, ठीक है, विश्वास करेगा, अगर वो अच्छे मन से या मन से खिलाएगा, ठीक है, तो वो साफ सुथरा रहेगा, जिसके मन में खोटेगा वो हमेशा यही काम करेगा, ठीक है, गंदा खिलाना, गंदा परोसना, बर्तन साफ नहीं करने, ठीक है, तो उसी की इच्छा के। मेरा नाम रितिका है और मैं एक वर्किंग मदर हूँ, तो यूजुअली हमारे साथ क्या होता है कि हम सुबह यू नो काम पे निकल जाते हैं, एंड वी आर अ लॉट डिपेंडेंट ऑन यू नो हाउस हेल्प एंड मेन्स, तो मेरे यहाँ घर में आते हैं, खाने बनाने वाली आती है, करीब 2-3 साल से वो हमारे यहाँ काम कर रही है, सो फेथ है, ऑफकोर्स फेथ है हमें उन पे, बट यू नो इस इंसिडेंट के बाद यू नो एक बहुत ही बड़ा आई ओपनर है, तो पीछे से जैसे अगर हम नहीं हैं तो हमें, जैसे मैं अपने इन लॉज को भी बहुत ज्यादा अवेयर करती हूँ कि आप ट्रस्ट करो, यू नो वो बना रही हैं चीजें, लेकिन अलर्ट
अलर्ट रहो, आपको बार बार चेक रखना होगा, एक सर्विलेंस रखनी होगी उनके ऊपर, एंड आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते हो. सो आप सीसीटीवी यू नो कैमरा लगा सकते हैं, बीच बीच में चेक कर सकते हैं, और फ्रेंडली रहना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफकोर्स वो हमें हेल्प करते हैं, यू नो हमारी डेली नीड्स में डेली हेल्प करते हैं. सो इस हिसाब से हमें यू नो हमेशा अलर्ट रहना है, और इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग विच इज हैपेंड, जो रिसेंटली हमने न्यूज में सुना है. एंड एक फैमिली को, पूरी फैमिली को इफेक्ट कर सकता है, यू नो इस तरह के इंसिडेंट से किसी की डेथ हो सकती है. एंड इवन देर आर मेनी यू नो वर्किंग मदर्स हु यू नो कीप देयर चिल्ड्रेन, यू नो कि आप अपने बच्चों को मेज के साथ छोड़कर यू नो जाते हो काम पर. तो हमेशा आप यू नो सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस रखिए, आप केयरफुल रहिए, ब्लाइंड फेथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आप अलर्ट रहना चाहिए सभी को, आई वुड सजेस्ट.